ये इंट्रूडर, ये कमल भैया की अपनी पर्सनल बाइक है और ये बाइक इतनी ज़्यादा हैवी है। इसमें वजन भी बहुत ज्यादा है दोस्तों, बहुत हैवी बाइक है। इस बाइक में टायर देखो कितना वाइड टायर है, ये मेरे फ़ोन की स्क्रीन में भी नहीं आ रहा इतना चौड़ा। लुकिंग ये अलग है दोस्तों, ये देखो अलग ही है, अलग ही चीज़। तो मेरे हिसाब से R1 है, बाकी आप बता देना, है ना दोस्तों, अलग ही लुक। और ये वाली और वो हरी वाली अलग ही लग। हेलो फ्रेंड, दिस इज स्ट्रोलर यूथ एंड वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो कैसी है अपनी स्ट्रोलर फैमिली? तो आज मैं लेकर आया हूँ इतनी सारी बाइक है, तो आपको पीछे मेरे दिख रही होंगी। ये देखो, ये खड़ा बाइकों का भंडार लगा पड़ा पूरा, इधर भी। तो सारी बुलेट्स हैं और ये सारी मॉडिफिकेशन के लिए आई थी और ये सब एकदम रेडी हो चुकी हैं और यहाँ पर खड़ी हैं। तो मैं फिलहाल इनको दिखाता हूँ एक एक करके, वन बाय वन। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे ये वाली बाइक। तो दोस्तों ये है क्लासिक और इसको कुछ इस तरह से मॉडिफाइड किया गया है, दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये सिंगल सीट है इसकी, सिंगल सीट कर दी गई। अलॉय बदलेगा इसके, हर एक काम किया गया है इसमें, अलॉय व्हील लगाए गए हैं। और बाकी हो गए टायर, देखो इसमें कितना ब्रॉड है और मडगार्ड से पता चल जाएगा टायर का साइज। और बाकी इसमें पेंट हुआ है। और इसी के बराबर में एक बाइक ये खड़ी है, ये भी बुलेट है क्लासिक 350। ये भी इसको इस तरह से मॉडिफाइड करा गया है, इसमें देखो किस तरह का पेंट हुआ है। और इसके देखो अलॉय व्हील कितने अलग ही लग रहा है, ऐसे अलॉय व्हील किसी बाइक में नहीं देखे होंगे, गोल्ड कलर के। और उसी के साथ गोल्ड के हिसाब से इसका गोल्ड पेंट भी हुआ है, ब्लैक सिल्वर ब्लैक गोल्ड मिक्स सब कुछ। और एक बाइक दोस्तों ये रही, ये है कबीर सिंह वाली बाइक, मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाई थी आपको, ये वाली बाइक भी दिखाई थी पिछली वीडियो में। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी, चैनल का लिंक ऊपर आ गया होगा। और ये वाली बाइक भी मैंने दिखा दी है पिछली वीडियो में, जब ये तीन चार बाइकें थी, एक तो होने वाली, एक ये ब्लैक वाली और एक ये ग्रीन वाली बाइक भी मैं बता चुका हूँ उसके बारे में। इसका पेंट बहुत प्यारा लग रहा है, ये देखो। तो जैसे इसका ग्रीन एंड ब्लैक पेंट है, इसके अलॉय व्हील भी उसी हिसाब से पेंट किए गए इसमें। ये शायद अभी तैयार हुई है, मैंने पिछली वीडियो में नहीं दिखाई थी, ये देख लो। देखो सर ये दोनों, तो इसमें पेंट किया गया है ब्लू कलर का, तो ये भी रॉयल कलर लग रहा है एकदम अलग ही। और दोस्तों इसका एग्जॉस्ट देखो, ये कितना यूनिक लग रहा है इसमें एग्जॉस्ट। ओहो, ये बाइक अलग ही लग रही है मेरे को। तो इस बाइक का नाम है दोस्तों, ये देखो राव, राजकुमार राव ने, सिर्फ राव। इस बाइक में आपको यहाँ पर शीशे मिल जाएंगे लगे हुए, देखो कहाँ पर शीशे लग रहे हैं, और फिलहाल अलग ही लग रहे हैं शीशे। इसको एडजस्ट कर सकते हैं कहीं पर भी, ऊपर नीचे दाएं बाएं, और ऐसे ये बंद होकर नीचे हो जाते हैं शीशे। तो ये बाइक अलग ही लग रही है मेरे को, ये देखो, है ना दोस्तों, अलग ही लुक। और ये वाली और वो हरी वाली अलग ही लग रही है बाइक। तो दोस्तों मैं आपको इस बाइक की साउंड सुनाता हूँ फिलहाल, कि कैसी साउंड है, इसका एग्जॉस्ट कैसे हैं। तो दोस्तों कैसे लगे आपको इसके साउंड? मुझे तो एकदम अलग ही लगे, बाकी इन सभी बाइकों के भी साउंड ज़्यादातर ऐसे ही होने वाले हैं, क्योंकि इनमें सेम सिलेंडर लगा हुआ है और सेम इंजन है इनका। तो दोस्तों पहले मैं बता दूं कि शॉप का नाम क्या है, शॉप का नाम है रॉयल बुलेट एसेसरीज वर्ल्ड। हालांकि मैं यहाँ की कई सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आज मैं फिर से यहीं पर आया था, रॉयल बुलेट एसेसरीज वर्ल्ड कमल भैया की शॉप है। तो यहाँ पर आए हुए मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, मैं यहाँ पर आता जाता रहता हूँ। दोस्तों एक और चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर जो है सेकेंड हैंड बाइक्स भी आपको मिल जाएंगी, बुलेट हो गई जैसे, ये खड़ी है बिकने के लिए, खड़ी हुई है यहाँ पर, आई थी मॉडिफिकेशन के लिए, बिकने के लिए आई थी यहाँ पर। बाकी आप ये वाली बाइक कुछ एक दो बाइक इनमें जो परचेज़ कर सकते हो, जैसे ये वाली हो गई क्रोम वाली। तो दोस्तों कमेंट्स में बताना बाइक कैसी लग रही है आप सबको। और फिलहाल आपको अगर यहाँ शॉप का नंबर चाहिए तो वो स्क्रीन पर ही देखो, ये आ गया होगा नंबर। और अगर आपको यहाँ पर आना है तो एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वैसे आप फ़ोन कर भी आ सकते हैं। अगर आप नेट पर गूगल पर सर्च करोगे रॉयल बुलेट एसेसरीज वर्ल्ड करोल बाग, तो आपको लोकेशन भी आसानी से मिल जाएगी। ये इंट्रूडर, ये कमल भैया की अपनी पर्सनल बाइक है
और ये बाइक इतनी ज़्यादा हैवी है कि मैं कैसे बताऊं। ये देखो इसका टायर देखो कितना ब्रॉड है और ये कितनी चौड़ी बाइक है, कितनी लंबी चौड़ी बाइक है। हर जगह से इसके पैर रखने के भी अलग ही, मतलब रोड पे जाएगी तो गाड़ी की जगह घेर लेगी इंट्रूडर पूरी। तो कमल भैया की पर्सनल बाइक है तो मैं दिखाता हूँ कि कितनी हैवी है, शायद मेरे बैठने से पता चल जाएगा। तो देखना कितनी हैवी बाइक है इंट्रूडर। इसमें वजन भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बहुत हैवी बाइक है। तो फिलहाल मेरे बैठने से पता चल जाएगा, मेरे से तो 10 गुना ज़्यादा चौड़ी बाइक है, लंबी चौड़ी है ना, काफ़ी रोड बाइक। डर लग रहा है इसे देख के। तो दोस्तों ये कमल भैया की पर्सनल अपनी बाइक है इंट्रूडर, और उनके पास एक हायाबूसा भी है, दो बाइक, और तीसरी बाइक है उन पर एक और। बाकी आप सब ने वो बाइकें तो देखी होंगी, इंट्रूडर भी देखी है, हायाबूसा भी देखी है, पर ऐसी बाइक एक मैं दिखाऊंगा वो आपने मुझे नहीं लगता कि किसी ने देखी होगी, क्योंकि मैंने खुद पहली बार ऐसी बाइक कोई देखी है। तो फिलहाल मुझे तो यहाँ समझ नहीं आ रहा खड़े खड़े कि बाइक कौन सी है। अगर आपको आए समझ में कि ये बाइक कौन सी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये कौन सी बाइक है। तो मैं दिखाता हूँ एक लुक इस बाइक का। और दोस्तों अगर आपको इस बाइक के ऊपर अलग से एक वीडियो चाहिए हो, इस पर और पीछे जो इंट्रूडर खड़ी है, इन दोनों बाइक पर आपको अलग से वीडियो चाहिए हो तो बता देना, मैं इनके ऊपर एक कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की, और इस बाइक की भी कोशिश करते हैं फिर वीडियो बनाने की। इस बाइक में टायर देखो कितना वाइड टायर है, ये मेरे फ़ोन की स्क्रीन में भी नहीं आ रहा इतना चौड़ा टायर है। तब मैं क्या करूँ, ये देखो ऊपर से दिखाता हूँ, ये जो हायाबूसा का टायर आता है उससे डबल चौड़ा टायर है, और इसकी लुकिंग ये अलग है दोस्तों, ये देखो अलग ही है, अलग ही चीज़। तो मेरे हिसाब से R1 है, बाकी आप बता देना कि आपको कौन सी बाइक लग रही है। और इसके ऊपर भी मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो बनाने की, इसके ऊपर और एक इंट्रूडर के ऊपर। तो ये फ़िलहाल मेरे को तो ये अलग ही लग रही है, पता नहीं क्या ये। और इसकी बात करें हम इंट्रूडर की, तो दोस्तों इसमें देखो, इसमें भी इतना चौड़ा टायर नहीं लग रहा जितना चौड़ा टायर इस बाइक में लग रहा है नहीं। और ये देखना क्या है, ये भी, ये वैसे बाइक तो हवाई जहाज है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये बाइक है मुझे कमेंट्स करके बताना, और कमल भैया की जो पर्सनल बाइक है वो कैसी लगी। तो फिलहाल आए हुए उनके यहाँ पर खड़े नहीं है, नहीं तो मैं वो भी दिखा देता उनकी कौन सी बाइक है। 3 बाइक है उनके पास अपनी पर्सनल बाइक। अगर आपको इन सब बाइक में से किसी भी बाइक पर अलग से वीडियो चाहिए तो एक बार बस बता दो आप, मैं वीडियो बना दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ आप सबके लिए, और लाता रहूँगा।